नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप SBI का YONO ऐप यूज करते थे दोस्तों और इंस्टॉल हो गया तो फिर इंस्टॉल करके कैसे उसको लॉग इन करेंगे दोस्तों। तो चलिए, प्ले स्टोर पर मैंने क्लिक किया, फिर प्ले स्टोर पर मैंने क्लिक किया और SBI का YONO ऐप यहाँ से मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। और यहाँ से इंस्टॉल, हमने पहले ये इंस्टॉल हो गया और ओपन के लोकेशन पर ऑटोमेटिक चला गया है। ये ओपन होगा, ये ओपन पे मैंने क्लिक किया नीचे। अलाउ पर क्लिक कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर न्यू टू SBI पर क्लिक करके नया आप SBI में अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको इसमें ऐप में पहले से लॉगिन थे और लॉगिन फिर से होना चाहते हैं तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग कस्टमर केयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर तीन ऑप्शन है। पहले से इसमें लॉगिन थे तो रजिस्टर विथ ATM कार्ड को यूज नहीं कर पाएंगे और रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स को भी यूज नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट आप इसी को यूज कीजिएगा, लॉगिन विथ इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, यहाँ पर यस करना है। अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर हैविंग प्रॉब्लम लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर आपको याद है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे ऊपर, और मैं आपका अपना यूजर नेम और पासवर्ड रेफरेंस कोड कोई इशू नहीं है डाल के आपको लॉगिन हो। यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड आप डाल के सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर भूल गए हैं तो यहाँ पर क्लिक करना होगा, प्रॉब्लम लॉगिन पर। ठीक है, तो चलिए, मैं याद है मुझे तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आगे मैं बढ़ता हूँ। और नीचे आना है, नीचे आना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है और सेट न्यू पिन। आप न्यू पिन नया बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। तो मैं न्यू पिन नया बना रहा हूँ, नहीं है इसलिए पिन इसको बनाया जाता है। और यहाँ पर भी आपको नीचे भी वही डालना जो ऊपर बनाए। और आपको फिर नीचे आपको होगा नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप जो रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक आपको OTP जाएगा, इसमें आपको टाइप करना है। तो चलिए, मेरे पास OTP आ गया है। और फिर हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर लिख दे, वो हैव सक्सेसफुल रजिस्टर्ड। तो देखिए, मैं आपको फिर से, मैं लॉगिन हो गया हूँ। फिर से मैं SBI YONO ऐप में लॉगिन हो चुका हूँ।
दोस्तों। तो उसके बाद आपको यहाँ से भी आप इसको यहाँ से भी आउट कर सकते हैं और यस कर सकते हैं ऊपर में। और फिर से मैं लॉगिन होके दिखलाता हूँ आपको। और फिर से यहाँ पर लॉगिन पर अगर आप ऐसा हो जाते हैं तो फिर से यहाँ पर लॉगिन विथ इस पर क्लिक कीजिएगा। अब आपको पूछेगा एम पिन। तो अब आपको जो एम पिन बनाए थे वो एम पिन यहाँ पर आपको टाइप करना है। और डायरेक्ट आपको लॉगिन हो जाइए। तो देखिए मैं फिर से इसको लॉगिन हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन कुछ भी करना है, बैलेंस वगैरह सारा चीज़ देख सकते हैं। टोटल चीज़ इसमें आ गया। तो इस तरह से इसको हम लोग यूज करेंगे। तो जब भी आप अब इसको ऐप को हमेशा लॉग आउट करके ही रखना होगा कि कोई अदर हाथ पे गया तो इसको यूज नहीं करते, इसलिए हमेशा इसको लॉग आउट करके यस करके ही आप रखें।